नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग के बारे में, जो हनुमान जी का प्रयोग है। और यही एक ऐसा प्रयोग है जिसे तब करना चाहिए जब जीवन में परेशानी बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान हनुमान ही संकट मोचन है, जो संकट को चुटकियों में हर लेते हैं। बल्कि इस दुनिया की जितनी भी कठिनाई है, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी संकट हैं, उन्हें केवल भगवान हनुमान ही दूर कर सकते हैं। खुद भगवान ने भी भगवान हनुमान की ही मदद ली थी अपनी जिंदगी से कष्टों को दूर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही संकट मोचन है, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के देवता है। बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही भगवान हनुमान के भक्तों को आसानी से प्राप्त होती हैं। इसीलिए जो लोग भी भगवान हनुमान के भक्त होते हैं, उनमें एक गजब की बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही देखने को मिलती है। तीनों चीजों का संगम बहुत ही कम लोगों में होता है, लेकिन जिसमें भी होता है उसे फिर कोई भी नहीं रोक पाता है। जिस व्यक्ति में बल हो, साहस हो, बुद्धि हो और इसी के साथ विद्या भी हो, तो ये तीनों ही चीज एक व्यक्ति को बिल्कुल खास और अद्भुत बना देती हैं। इसीलिए हम अपने पिछले काफी वीडियोस में आपको बताते हैं हनुमान जी से जुड़े हुए खास और दुर्लभ प्रयोग के बारे में, जिससे हर कोई अपने जीवन में भगवान हनुमान की खास कृपाएं, विशेष कृपाएं प्राप्त कर सके। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, बड़े ही ज्यादा खास और निराले हो जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा हो नहीं सकती है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी क्रियाएं, कोई भी काला जादू ऐसे लोगों पर कार्य ही नहीं करता है, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान हनुमान प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि कलयुग में जो मौजूद देवता हैं, वो केवल भगवान हनुमान हैं। और इस बात के बारे में भी हमने पिछले काफी वीडियोस में भी बताया है कि कैसे मातंग कबीले में वो आज भी हर 41 सालों में आते हैं, और मातंग कबीला आज भी इस बात का साक्षात सबूत है कि भगवान हनुमान हमारे बीच में ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं और अपने भक्त की एक पुकार पर तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। यह बात तो खुद वेदों में और शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने भगवान से प्रेम करता है, भक्ति भाव से रहता है, उसके तो स्वयं भगवान भी सेवक हो जाते हैं। भगवान को भी आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम से ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो बड़े ही ज्यादा खास प्रयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन प्रयोग को आप अपने जीवन में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में आपको धन की समस्याएं आ रही हो, या फिर कोई ना कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा हो, कर्ज की समस्या हो, या कोई भी समस्याएं हो सकती हैं, उन सब की अलग अलग प्रयोग विधि हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में जितने प्रयोग हम आपको बताएंगे, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा और ना ही आपको कहीं मिलेंगे, क्योंकि बस यही भगवान हनुमान के बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग है। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई ना कोई दुश्मन बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आपका बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी होती है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, वह दूसरे लोगों की सुख और शांति को देखकर इतना जलना शुरू कर देते हैं कि हर बात पे उन्हें दुखी करने लगते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन बनकर उनकी सुख और शांति ही छीन लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दुश्मन है जो आपकी सुख और शांति को छीन लेता है, तब ऐसे में भगवान हनुमान के इस प्रयोग को आप करके देखें। दुश्मन चाहे कितना भी प्रबल ही क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने कर्मों की सजा इतनी तेजी से मिल जाएगी कि फिर वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा और ना ही किसी का दुश्मन बन पाएगा। तो इस विधि को आप सही से समझ लें। इसमें आपको करना है कि एक नींबू ले लेना है और इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल साफ, जिसमें कोई भी दाग या धब्बा ना हो, ऐसा नींबू आपको लेना है। यह प्रयोग कुछ दिन तक लगातार किया जाता है, तो इसकी विधि को सही से आप समझ कर जान लें। पर अगर आपको प्रयोग करते समय कोई परेशानी होती है, तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें, क्योंकि प्रयोग का होना, अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा साफ सुथरा नींबू लेकर आप एक कांच की कोई कटोरी ले लें, या कोई तांबे का कोई बर्तन या कटोरी आप ले सकते हैं, जिसमें वह नींबू पूरी तरह से ढक जाए। अब आपको करना ये है
कि भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति पर सिंदूर लगता है वैसा ही सिंदूर आपको लेकर आ जाना है। ध्यान रखें कि इसमें कुछ मिलाकर इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, यह पाउडर ही आपको लेकर आना है और इसे किसी भी कांच के ग्लास में आपको भर देना है या फिर कोई कटोरी होती है तो कटोरी में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो किसी भी दिन पर किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खास मंगलवार या शनिवार पर अगर इसको करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि स्टील की कटोरी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको तांबे का कोई बर्तन लेना है या फिर कांच का बर्तन भी आप ले सकते हैं, कटोरी हो या फिर ग्लास भी आप ले सकते हैं। और ये कोशिश करें कि आपका जो ग्लास या कटोरी आप लेंगे यह इस्तेमाल की हुई बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यह बिल्कुल सात्विक होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पे किसी ने ना तो खाना खाया हो ना ही पानी पिया हो, बिल्कुल नई और साफ सुथरी ही आपको ऐसी कटोरी या गिलास ले लेना है। उसमें सिंदूर को भर के एक दिन के लिए आपको यह नींबू भगवान हनुमान के सामने उस सिंदूर में डुबोकर रख देना है। नींबू को इस तरह से डुबोना है कि नींबू बिल्कुल भी दिखाई ना दे, ऊपर बिल्कुल सिंदूर रहे और बाहर से भी नींबू ना दिखाई दे। अगर कांच का ग्लास लेंगे तो इस बात को देख लें कि नींबू नहीं दिखे। नींबू के साथ आपको 24 लौंग लेनी है और सिंदूर में ही उन्हें बिल्कुल आपको छुपा देना है। पूरे एक दिन के लिए भगवान हनुमान के सामने आपको यह चीज बनाकर रख देनी है और प्रार्थना करनी है अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए। चाहे दुश्मन कोई भी हो, उससे छुटकारा पाने के लिए आप बोल सकते हैं या कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। 24 घंटे इस तरह से रखने के बाद आपको अगले दिन फिर से उस नींबू को निकाल लेना है और उस नींबू को एक झटके में ही काट देना है। ये ध्यान रखें कि जब आप चाकू से उस नींबू को काटेंगे तो 2-3 बार आप यह बिल्कुल भी ना घुमाएं, सिर्फ एक झटके में ही नींबू को काटना होगा। तो नींबू को एक झटके में काट कर आप फिर से सिंदूर में ही उस नींबू को ऐसे ही रख दें और लौंग को बिल्कुल भी ना छुएं। अब फिर से 24 घंटे के लिए ऐसे ही रख दें और अगले 24 घंटे के बाद आप फिर से उस नींबू को निकाल लें और जो 24 लौंग आपने उस सिंदूर में डाली थी उन लौंग को उस नींबू पर गाड़ दें। नींबू को उस जगह पर गाड़ना है जहां से नींबू कटा हुआ है, यानी के 12 लौंग एक हिस्से में और 12 लौंग दूसरे हिस्से में आपको गाड़ देनी है। उसके बाद फिर से 24 घंटे के लिए इस नींबू को उसी सिंदूर में ही डुबो कर रख देना है। इस तरह से 3 दिन तक यह प्रयोग करने के बाद जब चौथा दिन आता है तब आपको अपने शत्रु का कोई भी सामान ले लेना है, जैसे कि उसकी फोटो मिल जाए, नाखून मिल जाए या उसके बाल मिल जाए या उसका कोई कपड़ा मिल जाए, कोई भी सामान वह हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो केवल फोटो से ही या फिर कागज पर उसका नाम लिखकर भी प्रयोग को किया जा सकता है। आप केवल लाल कागज पर लाल पेन से ही उस व्यक्ति का नाम लिख दें और नीचे लिख दें शत्रु नाशय फट स्वाहा, बस नीचे और उसके नाम के ऊपर यह लाल पेन से आप लिख दें। इस मंत्र के बीच में उस व्यक्ति का नाम लिख दें। इस बात का ध्यान रखें कि पूरा नाम आपको उसका लिखना है और उसके बाद इस कागज को मोड़ कर उस नींबू में आपको लगा देना है। यह चौथे दिन का काम है जो आपको करना है। जब आप नींबू पर बीच में इस कागज को लगा देंगे जिसमें आपने लौंग भी गाड़ी हुई है तो नींबू को बांधने के लिए आपको लाल कलावे का इस्तेमाल करना है या फिर इसके स्थान पर कोई भी लाल धागा लिया जा सकता है। अब आपको नींबू को बिल्कुल अच्छी तरह से बांध देना है और इस बात का ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल भी दिखाई ना दे, पूरी तरह से उस धागे से उस कलावे से उस नींबू को आप कवर कर दें। अब 5वें दिन के लिए दोबारा से आप इस नींबू को रख दें उसी सिंदूर में डुबोकर। इस तरह 5 दिन का यह प्रयोग होता है जिससे बहुत ही आसानी से शत्रु से छुटकारा मिल जाता है। शत्रु मुड़कर भी नहीं देखता है और ना ही कभी परेशान करता है, बल्कि खुद ही अपने माया जाल में ऐसा फंसता चला जाता है कि खुद ही बेवकूफी करके अपना ही सत्यानाश कर लेता है। इस प्रयोग से उस शत्रु में इतना अहंकार बढ़ जाता है, इतना घमंड बढ़ जाता है कि उस अहंकार और घमंड में ही चकनाचूर होके वह बैठ जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो ना तो खुद सुख से रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं, उन सभी दुष्टों के लिए यह प्रयोग एक रामबाण है। अब 5 दिन कर लेने के बाद जो नींबू आपने सिंदूर में डुबो कर रखा था, बस आपको उस नींबू को निकाल लेना है और किसी भी
पीपल के पेड़ के पास जाकर गाड़ देना है, बिल्कुल सुनसान जगह पर जाकर गाड़ देना है। और इस बात का ध्यान रखें कि 5 दिन का यह आप प्रयोग करेंगे तो 5ों दिन ही बिल्कुल दुश्मन से छुटकारे के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना करते रहना है। और 5ों ही दिन आपको रोज 5 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। और बिल्कुल 5 ही दिन आपको भगवान हनुमान को बूंदी का भोग लगाना है, या फिर कोई भी और लाल मिठाई आप ले सकते हैं, या फिर आपको मिठाई नहीं मिलती है तो बताशे का भोग लौंग के साथ भी लगाया जा सकता है। यह प्रयोग हमने एक लड़की को बताया था जिसने हमसे कंसल्ट किया था। उसकी भी परेशानी यही थी कि वह अकेली रहती थी, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। फिजूल में ही बहुत ज्यादा आवाज करना, ताने कसना, शोर मचाना, जिससे उसकी बिल्कुल सुख और शांति ही छिन गई थी। और वो सब इसलिए यह करते थे ताकि जिससे यह पड़ोसी उनका भाग जाए। लेकिन जब उस लड़की ने हमें ये बताया तो हमने उसे इस प्रयोग के बारे में बताया और उसने बिल्कुल इसी तरह से इस प्रयोग को कर लिया। बस उसके कुछ ही दिनों बाद उसके जो दुश्मन थे, जो पड़ोसी उसे परेशान करते थे, वो आपस में ही इतना लड़ने लग गए और ऐसा भयंकर युद्ध हो गया उनमें कि वे खुद ही वहां से निकलकर चले गए। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शत्रु से ऐसे ही परेशान रहते हैं, तो ऐसे में इस प्रयोग को करके भगवान हनुमान की विशेष कृपाएं प्राप्त की जा सकती हैं। फिर वह स्वयं ही अपने भक्त को हर संकट से बचा लेते हैं। भगवान हनुमान के इन्हीं दुर्लभ प्रयोग में से यह दुश्मन से छुटकारा पाने की विधि थी। और आने वाले वीडियोस में हम कर्ज से छुटकारे के लिए, धन की परेशानी से छुटकारे के लिए, और जीवन की जो अलग अलग परेशानी होती है उनके भी प्रयोग आपको भगवान हनुमान से जुड़े हुए जरूर ही बताएंगे। बस आप कमेंट कर दें Part 2 हनुमान जी। जब कमेंट की संख्या हम देखेंगे तो इसी भगवान हनुमान के दुर्लभ प्रयोग की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमेंट Part 2 हनुमान जी जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करके अन्य हनुमान भक्तों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट में ही जय श्री राम का नारा भी जरूर लगा दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।